हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आज की क्लास में हम लोग जीएस के स्पोर्ट्स सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं कि स्पोर्ट्स से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले, अगर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या एग्जामिनेशन के बारे में अपडेशन चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी लोग जरूर जुड़िए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है जीएस जीके बाय आलोक सर, एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप लोग यहां पर जरूर जुड़ेंगे। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं वो तुरंत इसको टेलीग्राम में सर्च करके यहां पर जुड़ जाएंगे। और देखिए, एक अनअकैडमी लर्नर ऐप पर एक बहुत बेहतरीन फीचर है, वो है अगर आपको कोई डाउट है मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग तुरंत उसका इमेज बना करके यहाँ पर सेंड करेंगे और इंस्टेंट तरीके से उसका आंसर आप लोगों को सेंड किया जाएगा। ठीक है भाई, अब अनअकैडमी लर्नर ऐप पर अगर आप लोग क्लास करते हैं, अगर नहीं करते तो भैया तुरंत ऐप डाउनलोड कीजिए, क्लास करना शुरू कीजिए। और जब भी आप क्लास करते हो तो अपने जिस एजुकेटर से आप पढ़ते हो, आपका फेवरेट एजुकेटर है, उससे आप ड्यूरिंग द सेशन सीधे बातचीत कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फिर है आपका एसएससी कॉम्बैट, हर एक संडे को होता है 12 बजे के इसका टाइमिंग है। तो अगर कोई भी विद्यार्थी इस कॉम्बैट को देना चाहता है, उससे आप लोग शानदार जानदार प्राइज जीत सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक इनवाइट कोड है, इस इनवाइट कोड से आप सभी लोगों को, जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर इनरोलमेंट करने की जरूरत है। और इनरोलमेंट जब भी आप करोगे तो भैया एक कोड जरूर लगाइएगा ABCERTAIN, इससे आप लोगों का फ्री में इनरोलमेंट एकदम। ठीक है भैया, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, किसी भी प्रकार के कोर्स के लिए अनअकैडमी पर जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कोड आपको एक ही लगाना है, कैपिटल लेटर ABCERTAIN लिख करके आपको अप्लाई कर देना है, इससे आप लोगों को निश्चित रूप से डिस्काउंट। अब हम सीधे क्वेश्चन पर आ गए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। पहला सवाल है, पहला हॉकी का विश्व कप ये किस ईयर में आयोजित किया गया था? चार विकल्प है, 1965 में, 71 में, 1975 में या 1980। फटाफट करके आंसर दोगे भाई सारे लोग इसका? और देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है भाई आपका 1971 में पहला हॉकी का विश्व कप आयोजित किया गया। 1971 एक और चीज के लिए महत्वपूर्ण डेट है, भारत की पहली महिला जिनको भारत रत्न मिला था, वो भी भाई 1971 में ही किसी महिला को मिला है भारत रत्न, इंदिरा गांधी। 65वीं इंपॉर्टेंट डेट है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो मैंने बता दी। अब यहाँ पर समझ लो, हॉकी का जो पहला भैया विश्व कप है वो स्पेन बार्सिलोना में हुआ है, 15 से 24 अक्टूबर 1971 तक रियल पोलो मैदान में ये आयोजित किया गया था। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स से किस खिलाड़ी को ब्लैक पर्ल के नाम से जानते हैं लोग? पेले, लिएंडर पेस, डियागो माराडोना या इनमें से कोई? ब्लैक पर्ल, ठीक है, बहुत सारे खिलाड़ियों को उनके अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे यहां पर सबसे पहले मैं आंसर बता दूं, ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। पेले जो थे ये ब्राजील के फुटबॉल के एक तरीके से जादूगर माने जाते हैं। अभी हालांकि एक बहुत बड़े फुटबॉलर का इसी साल निधन हुआ था, उनका नाम था माराडोना। और माराडोना ये अर्जेंटीना के थे और पेले ब्राजील के। लिएंडर पेस ये टेनिस से रिलेटेड है और इनका निकनेम माना जाता है पॉकेट डायनामो। एक समय में लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी बड़ी जबरदस्त मानी जाती है। ठीक है, ये माराडोना जो है ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, इनका इसी साल निधन हुआ है। बारावती क्रिकेट स्टेडियम किस स्थान पर है? कटक में है या टाटानगर में या नागपुर में या थाने में? फटाफट आंसर करोगे, बारावती क्रिकेट स्टेडियम ये आपका कहां पर? करेक्ट आंसर कीजिए भाई सारे लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। देखो बेहतरीन सवाल है ये भी, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा बारावती क्रिकेट स्टेडियम तो आप लोग इजीली बता सकते हो कि भैया बारावती क्रिकेट स्टेडियम जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है, इजीली बता सकते हो। और बारावती क्रिकेट स्टेडियम जो आपका स्थित है वो बच्चे स्थित हो जाता है आपका कटक में। कटक मतलब उड़ीसा, कटक मतलब सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली, कटक मतलब यहां पर चावल अनुसंधान संस्थान है। कटक किस नदी के किनारे? महानदी के किनारे।
महानदी पर बांध कौन सा बना हुआ है? हीरा कुंड। हीरा कुंड बोले तो भारत का सबसे लंबा बांध। ये कितने सारे सवाल मिल गए यार एक से जुड़ के। टाटा नगर जानते हैं किसको कहते हैं? जमशेदपुर झारखंड में है, और यहां पर एक स्टेडियम स्थित है कीनन, ये टाटा नगर में स्थित। नागपुर को ऑरेंज सिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑरेंज सिटी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी को खेल रत्न पुरस्कार जो है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भैया किस वर्ष शुरुआत हुई थी? और बड़ा प्रसिद्ध है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अभी हाल ही में इसका नाम भी बदला गया, और नाम क्या कर दिया गया था इसका? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम कर दिया गया हाल ही में। और उससे कुछ समय पहले इसकी पुरस्कार राशि जो 7.5 लाख थी, उसको बढ़ा करके कितना किया गया था भाई? 25 लाख। तो एक साल में दो चेंजेस हुए हैं इसमें, एक तो पुरस्कार राशि बढ़ाई गई, दूसरा इसका नाम राजीव गांधी की जगह अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा, याद रहेगा। और इसकी शुरुआत 1991-92 में होती है, और सबसे पहला ये हमारे देश की चेस किसान विश्वनाथन आनंद साहब को दिया जाता है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय गणराज्य का ये सर्वोच्च खेल के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, ये युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, पर अब राशि बढ़कर के कितनी हो गई है भाई? 25 लाख। तो हम लोग क्या कह देंगे इसको? 25 लाख, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है विश्वनाथ आनंद साहब, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भैया दिया गया था, कब? पहला 1991-92, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सैंडी तूफान, यह किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? नाम से आप लोग इसका जरूर अंदाजा लगा लो, नाम से अंदाजा जरूर लगा लेंगे क्या सही आंसर होगा बच्चे। सैंडी तूफान बताइए बच्चे, फटाफट आंसर कीजिए, बड़ा मस्त सा क्वेश्चन है। सैंडी तूफान अगर कभी भी पूछा जाए तो सैंडी तूफान जो है ये आपका संदीप पाटिल की, कपिल देव की क्या है? स्टेट फ्रॉम द हार्ट, स्टेट फ्रॉम द हार्ट है कपिल देव की। सेनवार्न की है भैया नो स्पिन, ये सेनवार्न की है। सुनील गावस्कर की है सनी डेज, याद रहेगा भाई, सारे लोगों को पता चलेगा। अब अगर सचिन तेंदुलकर की पूछी जाए तब भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लेइंग इट माई वे, ये भाई सचिन तेंदुलकर की, प्लेइंग इट माई वे, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आप लोग लिखो, उससे पहले सारे के सारे ये नोट कर लो कि मैंने इसीलिए प्रिंटेड फॉर्म में आप लोगों को दे दिया, ये आपको याद है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता, ऐसे कौन से भारतीय? साइड हो जाता हूँ, फटाफट आंसर करोगे आप लोग। देखो पीटी उषा भी बहुत जबरदस्त धावक रही हैं, उड़न परी कहते हैं हम लोग इनको, पायली एक्सप्रेस भी कहते हैं इनको हम लोग। और अगर कभी पूछा जाएगा आपसे कपिल देव, तो कपिल देव को हम लोग एक और निक नाम से जानते हैं, हरियाणा हरिकेन, हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। लेकिन जो पहला मेडल जीता भाई ओलंपिक में, वो के डी जाधव ने जीता, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर 29 अगस्त को हर साल खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है भाई? और एक चीज और याद रखोगे, जो के डी जाधव हैं जिनका पूरा नाम है खासतावा दादा साहेब जाधव, एक एथलीट थे और वह एक पहलवान के रूप में जाने जाते थे। 1952 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए, वहां पर इन्होंने कांस्य पदक जीता, और उसके बाद में फिर अभिनव बिंद्रा का नंबर आता है एथलेटिक्स में, फिर उसके बाद में एक लंबा गैप होता है, और इस बार नीरज चोपड़ा सीधे गोल्ड मारते हैं, हालांकि अभिनव बिंद्रा भी गोल्ड मारते हैं, ठीक है? याद रहेगा। क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होती है? 20.12 मीटर, 22.12 मीटर, या 21.12 मीटर, या 26.12 मीटर, क्या आंसर होना चाहिए? क्या
फटाफट से आंसर करोगे। देखिए बच्चे, क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो होती है भाई 20.12 मीटर। कितनी होती है? 20.12 मीटर ये लंबाई होती है। और अगर देखा जाए आकार में तो कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए स्टंप हो गया, इधर भी स्टंप हो गया, ये क्रीज बनी हुई है और ये पूरा का पूरा ये लंबाई हो गई भाई, ये पूरी की पूरी लंबाई हो जाती है। सारे लोगों ने खेला होगा तो भाई मैंने भी खेला है। होता क्या ना कि जब जैसे मान लीजिए जो बॉलिंग करता है उसमें वो इस तरीके से, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, जब कोई बॉलिंग करता है तो इस तरीके से पैर रखता है, यहाँ ये दो है ना। अब यहाँ पे जब पैर रखेगा तो अगर एड़ी आगे निकल जाएगी यानी कि पंजा जो इस तरीके से रखेगा तो बीच में पैर जो फ्लैट इस तरीके से आधा आधा होना चाहिए। अगर एड़ी आगे निकल गई तो नो बॉल हो जाता है। देखते ना अंपायर इस चीज को देखता रहता है। कभी खेला होगा, बड़ा आनंददायक खेल। अब तो हमने तो काफी दिनों से खेला नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले टेस्ट कप्तान माने जाते थे? तो पहले टेस्ट कप्तान थे वो बच्चे कौन थे, एक बार तेजी से आंसर करोगे? नवाब मंसूर अली खान पटौदी, विश्वनाथ या सी के नायडू। बेसिकली इनको बोलते हैं गुडनप्पा विश्वनाथ, और जो पहले टेस्ट कप्तान के रूप में जाने जाते हैं वो भैया सी के नायडू। कौन माने जाते हैं? सी के नायडू माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा का मुख्यालय भाई कहाँ स्थित है? फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, एक बार तेजी से आंसर करोगे? फीफा जो वही फीफा है जो कि आपका आयोजित कराता है क्या वर्ल्ड कप फुटबॉल, जो कि वर्ल्ड कप फुटबॉल आयोजित कराता है, ये वही फीफा है। और सबसे पहला वर्ल्ड कप फुटबॉल जो है वो तो बच्चे उरुग्वे में हुआ था। साउथ अमेरिकन कंट्री है उरुग्वे, जिसकी कैपिटल मोंटेवीडियो है, वहां पर हुआ था। और इसका मुख्यालय बच्चे ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय है। ब्रुसेल्स से बेल्जियम की कैपिटल है। और यहाँ पर भी एक बड़ा प्रसिद्ध मुख्यालय है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। रोम यहाँ पर बड़ा प्रसिद्ध मुख्यालय है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। और रोम जो है ये हम लोग कहते हैं ना पैलेटाइन पहाड़ी पर ये स्थित है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसके किनारे जो नदी है उस नदी का क्या नाम है? टाइबर। ठीक है भाई, टिग्रिस मत लगा देना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। टिग्रिस के किनारे बगदाद है और टाइबर के किनारे रोम। आगे बढ़ते हैं, ये तो ज्यूरिख हो गया भाई। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा, तो मैं फिर से कर देता हूं कुछ इस तरीके से। आप देखिए ये 2008 में फीफा वर्ल्ड कप जो देखिए ये दी जाती है ट्रॉफी, कितनी शानदार जानदार ट्रॉफी। अब इसकी स्थापना फीफा की 1904 में हुई थी, ठीक है। और ये इन्फिनिटो इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। 22 में कतर में आयोजित किया गया, क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खो खो 7, कबड्डी 7, नेटबॉल 7 या बास्केटबॉल 5। एक तरफ प्लेयर्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उसके गेम दिया गया है। एक बार बताओगे भाई किस गेम में कितने खिलाड़ी होते नहीं है, ये बताना है। मिसमैच वाला कौन सा है? खो खो अक्सर मेल लोगों ने कम खेला होगा, फीमेल ज्यादा खेलते हैं, ठीक है। छोटे पे लड़कियां ने बहुत खेला, हमने भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किया छोटे पे, ऐसा नहीं, सभी लोग खेलते हैं जो कॉमन गेम्स होते हैं वो खेलते हैं। खो खो है बड़ा, हम लोग याद होगा एक उन्हें तो ईट के बनाकर पिड्डू गरम जिसको बोलते थे, पिड्डू गरम बोलते थे हमारे वहाँ। एक बॉल से उसको गिराना पड़ता था और फिर वो भाग के जाते थे और फिर बॉल मारी जाती लग जाती थी। उतनी देर में जो जिसने बॉल मारी है उसकी टीम अलग है, तो उतनी देर में उसको जो ईंटें जो गोल गोल वो गिर गए हैं वो ईंट के टुकड़े उसको फिर रखता था, अगर रख देता था तो उसका एक गोल मारा जाता। बड़ा आनंददायक खेल था, आप लोगों ने भी खेला होगा निश्चित रूप से। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई खो खो। खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं, देखो ऐसे याद करो, 4 खिलाड़ी पोलो में, 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल में, 6 खिलाड़ी वॉलीबॉल में, 7 खिलाड़ी जो हैं वो आपके कबड्डी में होते हैं, याद रखिएगा 7 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी नेटबॉल में होते हैं और 7 खिलाड़ी ही वाटर पोलो में होते हैं, ठीक है। 9 खिलाड़ी जो हैं वो आपके खो खो में होते हैं और आपके बेसबॉल में होते हैं, और 15 खिलाड़ी रग्बी में होते हैं। रग्बी में कितने होते हैं भैया? 15 होते हैं। तो ये आप लोग याद रखोगे क्योंकि यहाँ से एक सवाल फंसने की गुंजाइश है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं,
ये देखिए बास्केटबॉल के बारे में दिया हुआ है, थोड़ा सा आप लोग समझ लोगे। ठीक है भाई, चलिए हम थोड़ा सा पीछे कर देते हैं इस पर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए भूटान और इंडोनेशिया के नेशनल गेम्स क्या है? भूटान और इंडोनेशिया, फटाफट आंसर कीजिएगा। भूटान का तो बड़ा प्रसिद्ध है, और शायद ऐसा कोई हो जिसको ना पता हो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भूटान। क्या आंसर होगा? देखो भूटान के अगर गेम की बात करते हैं तो भूटान का हो जाता है आर्चरी तीरंदाजी, और इंडोनेशिया का बैडमिंटन हुआ। ठीक है, याद रहेगा। टेबल टेनिस चाइना का हो जाता है, वॉलीबॉल श्रीलंका और नेपाल का हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हो टेबल टेनिस चाइना का, आइस हॉकी कनाडा का, बेसबॉल अमेरिका का है, रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का है, मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों का बैडमिंटन हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है? मार्डेका, संतोष, बीसीरे या क्लासिक कप? कौन सी फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है, इस प्रश्न का आंसर कीजिए आप फर्स्ट। कौन सी भैया फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है ट्रॉफी? देखो फुटबॉल से रिलेटेड अगर पूछी गई है तो आप इजीली बता सकते हो, फुटबॉल से रिलेटेड जो नहीं है वो क्लासिक कप। बाकी ये भी फुटबॉल से, ये भी फुटबॉल से, ये भी फुटबॉल से है। ठीक है, क्लासिक कप अगर आप देखोगे तो ये राजाओं वाला राजसी खेल है, पोलो इससे संबंधित है, इसे पोलो खेला जाता था। एक दिल्ली सुल्तान था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कहते हैं, हालांकि वास्तविक संस्थापक नहीं कहते हैं लेकिन संस्थापक कहते हैं। वो यही खेलते समय घोड़े से गिर गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें खिलाड़ी चार होते हैं, इसे राजाओं के खेल के रूप में भी जानते हैं। ओलंपिक खेल के पिता के रूप में किसे जानते हैं? पियरी डी कुबर्टिन, जोशुआ चाइल्ड या जेम्स कुक या इलियास होवे? फटाफट आंसर करोगे, ओलंपिक के पिता के रूप में बच्चे किसको जानते हैं, सही आंसर क्या होगा? देखो बड़ा बढ़िया सवाल, ओलंपिक के जो पिता है वो हम लोग पियरे डी कुबर्टिन को, और जो इलियास हो गए ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, जो सिलाई मशीन है इसके आविष्कारक ही इलियास हो गए, और ये न्यूजीलैंड के खोजकर्ता हम लोग कहते हैं, तो जेम्स कुक को मानते हैं। ठीक है, ये देखिए आप पांच छल्ले हैं और पांचों छल्ले पांचों महाद्वीप को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, और 1896 में पहला ओलंपिक बच्चे आयोजित किया गया था। आप लोग याद होगा अभी एक बड़ा आग वाग लग गई थी, तो जहाँ पर ओलंपिक एथेंस वाला है वहाँ पर भी कुछ नुकसान हुआ था, और माउंट ओलंपिया पर खेले जाने के कारण इसका नाम बच्चे ओलंपिक पड़ता है, ये आप लोग जरूर याद रखोगे। ये जो पांच छल्ले हैं ये पांच महाद्वीपों को, कॉन्टिनेंट रिप्रेजेंट करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताओगे जिसमें नीला, सफेद, लाल, हरा, पीला, कौन सा कलर किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताऊं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला विश्व कप फुटबॉल किस देश में आयोजित किया गया था? क्या आंसर हो जाएगा? पहला विश्व कप फुटबॉल किस देश में आयोजित किया गया था, इसका प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखो भाई, फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल की बात की गई है तो फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल साउथ अमेरिकन कंट्री उरुग्वे में आयोजित किया जाता है। ब्राजील एक बड़ा महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉफी के मामले में नंबर वन है कंट्री। यहां पर एक जगह है सेंटोस, जिसको कॉफी पोर्ट भी बोलते हैं। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का ब्राजील के बाद दूसरे नंबर का बड़ा देश है, और ये जो अर्जेंटीना है ये बेसिकली एक रिवर के किनारे है, उस रिवर का नाम है ला प्लाटा, और ये मैंने कह दिया अर्जेंटीना तो एक देश हो गया। इसकी कैपिटल जो है ब्यूनस आयर्स, वो है आपकी इस नदी के किनारे, जो ब्यूनस आयर्स कैपिटल है वो ला प्लाटा नदी के किनारे। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है, कैनबरा इसकी कैपिटल है। ठीक है भाई, पहला विश्व कप फुटबॉल 13 से 30 जुलाई 1930 तक उरुग्वे में हुआ, और राजधानी मोंटेवीडियो है। ठीक है, याद रहेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस भैया यहाँ पर समाप्त होते हैं, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हो
वो सभी लोग एक बार हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर शामिल होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर पीडीएफ तो मिलेगी ही, साथ में आपको बहुत सारी अपडेटेड जानकारी भी मिलती है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भाई अनअकैडमी लर्नर ऐप पर डाउट पूछने के लिए इसका प्रयोग जरूर करेंगे, और रेज हैंड अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जब आप क्लास करते हो तो सीधे एजुकेटर से बातचीत करने के लिए, उनसे डाउट क्लियर करने के लिए आप लोग रेज हैंड कर सकते हो। कॉम्बैट में भैया सारे लोग इनरोलमेंट करोगे, हर एक संडे को 12 बजे होता है। फ्री में इनरोलमेंट करने के लिए एबी सर्ट एंड कोड का प्रयोग, इसके फ्री में आपका इनरोलमेंट होगा। और जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लो तो कोड एक ही लगाएं, वो कोड आपका क्या रहेगा, एबी सर्ट एंड कोड। ठीक है भाई, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को बच्चे सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय।